कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में जिला खेल संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने खेल एवं संबंधित खिलाड़ियों के प्रतिभा को निखारने एवं उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फुटबॉल, कबड्डी, कुश्ती एवं खो खो हेतु डे बोर्डिंग के लिए प्रशिक्षण केंद्र के अधिष्ठापन से संबंधित प्रस्ताव भेजने का निर्देश जिला पदाधिकारी को दिया। साथ ही बालक वर्ग के लिए फुटबॉल एवं एथलेटिक हेतु 25 बेडेड नए आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र के अधिष्ठापन संबंधित प्रस्ताव भेजने की बात कही। उपायुक्त श्री रंजन ने कहा कि जिला स्तरीय टीम गठित कर जिला प्रखंड स्तर के स्टेडियम की देखरेख भी करें, साथ ही स्टेडियम की साफ सफाई को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए। जिला परिषद के माध्यम से बागी टांडा स्टेडियम में शॉप बनाने से संबंधित प्रस्ताव बनाकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात कही। उपायुक्त श्री रंजन ने गुमो में मल्टीपर्पस स्टेडियम बनाने को लेकर भी प्रस्ताव भेजने का निर्देश खेल पदाधिकारी को दिया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी अलका जायसवाल, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार, जिला फुटबॉल संघ के सचिव नवनीत ओझा व खेल कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.